हेलो स्टूडेंट्स आई होप आपने थर्टीन क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी कर लिया है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था इफ़ नॉट विल क्विकली कंप्लीट ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो सो यू लुक एट क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड पार्ट ऑफ थर्टीन क्वेश्चन सो यू हैव लिमिट एक्स गोइंग टू टू फ्रॉम नेगेटिव साइड एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर यहाँ पे अगेन यू सी हमने राइट एंड लिमिट निकाली थी टू पे दैट वॉज इन्फिनिटी uh, अब हमने लेफ्ट लिमिट निकालनी है टू पे तो इस केस में आप देखिए बेटा क्या होएगा आप, आप क्या पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एच क्योंकि आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा लिमिट एच गोइंग टू जीरो एक्स की जगह पे आप टू माइनस एच माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू माइनस एच स्क्वायर माइनस फोर पुट करेंगे सो यू गेट न्यूमिनेटर में आपके पास आएगा टू माइनस थ्री दैट इज़ अ माइनस वन माइनस एच और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी दैट इज माइनस फोर एच माइनस फोर एंड लिमिट एच गोइंग टू ज़ीरो यहाँ पे देखिए फोर और फोर कैंसिल हो गया तो आपके पास हो गया लिमिट एच गोइंग टू जीरो माइनस वन माइनस एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस फोर एच अब आप h को जीरो पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा माइनस वन माइनस जीरो अपॉन जीरो माइनस जीरो तो आपके पास क्या आ गया माइनस वन अपॉन जीरो सो दैट इज इन्फिनिटी दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नाओ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग समर देखिए बेटा यहाँ पे इन्फिनी आ गया वो आपको पता चल गया कि इट इज ग्रोइंग है ना अगर लिमिट आपकी समथिंग uh, ये फाइनाइट होना चाहिए फाइनाइट अपॉन जीरो आ जाए तो आपको पता है कि वो ग्रो कर रहा है नंबर मतलब उस नंबर का कुछ आ, हमें पता है इन्फिनेटी हमें पता है कि दिस इज़ जस्ट अ वेरी लार्ज नंबर बट अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता x माइनस थ्री और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस नाइन होता और लिमिट एक्स गोइंग टू तो थ्री एक्स गोइंग टू तो थ्री होता तो अब डायरेक्टली जब थ्री पुट करोगे तो थ्री माइनस थ्री अपॉन थ्री स्क्वायर माइनस नाइन आएगा दैट इज ज़ीरो अपॉन ज़ीरो इस फॉर्म को हम अलग से डील दिए, करते हैं इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म सो दिस इज़ योर इनडिटर्मिनेट फॉर्म ओके तो इस केस में क्या होगा यहां पे फंक्शन में है प्रॉब्लम थ्री पे बट क्योंकि की और डिनोमिनेटर में दोनों एक्स माइनस थ्री का फैक्टर है तो ये क्या हो जाता है इस केस में लिमिट एक्स गोइंग टू थ्री तो एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री और x प्लस थ्री हो जाता है अब इस केस में देखिए बेटा क्योंकि आप थ्री को लिमिट कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly थ्री पे हमने कभी नहीं पहुंचना लिमिट के केस में कि आप थ्री को अप्रोच कर रहे हो थ्री कभी नहीं आएगा इसलिए ये नंबर जीरो कभी नहीं बनेगा इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं ठीक है इस फंक्शन की अगर हमने वैल्यू निका, निकाल निकालनी हो तब हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि थ्री पे अगर वैल्यू निकाल रहे हो मतलब थ्री पुट कर रहे हो और जीरो नहीं कैंसिल कर सकते हम न्यूमिनेटर नु, नु, और डिनोमिनेटर में बट क्योंकि हम इस केस में लिमिट निकाल रहे हैं तो कभी भी हम थ्री पे पहुंचेंगे ही नहीं तो दिस नंबर इज नेवर जीरो इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया आ, ये ये आपका बन जाएगा सिर्फ ये रह गया एक्स प्लस थ्री तो थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू वन बाई नाइन तो इस इस वाले फंक्शन में आप देखोगे कि अगर आप थ्री को अप्रोच कर रहे हो थ्री पे तो प्रॉब्लम है बट जब आप राइट right साइड से आ रहे हो तो वैल्यू वन बाई नाइन को अप्रोच कर रही है लेफ्ट से आ रहे हो तो भी वैल्यू वन बाई नाइन को अप्रोच कर रही है तो दिस इज एन एग्जाम्पल जहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बट लेफ्ट और राइट लिमिट जो है बराबर है मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है समझ आया बेटा ओके सो नाउ कम टू क्वेश्चन हम अब क्विकली कर सकते हैं uh, यहाँ पे देखिए एक्स गोइंग टू जीरो है जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड तो आप क्या पुट करोगे वन अपॉन थ्री जीरो प्लस एच लिमिट एच गोइंग टू जीरो सो दैट विल बी लिमिट एच गोइंग टू जीरो वन बाई थ्री बाहर आ जाएगा वन बाई एच जब आप एच को जीरो पुट करोगे तो ये इन्फिनी आएगी ठीक है बेटा अब इस क्वेश्चन को देखें आपने x को माइनस एट पुट करना है फ्रॉम पॉजिटिव साइड तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आपका जब x को आप माइनस एट पुट करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव साइड सो क्वेश्चन नंबर फोर में आपका क्या हो जाएगा टू माइनस एट फ्रॉम पॉजिटिव साइड प्लस एच और नीचे आ जाएगा आपका माइनस एट प्लस एच प्लस एट लिमिट एच गोइंग टू ज़ीरो तो ये कैंसिल हो गया आपके पास जब एच को जीरो पुट करोगे ऊपर माइनस सिक्सटीन नीचे जीरो सो दैट इज इन्फिनिटी सो इसका आंसर भी इन्फिनिटी है इस केस में देखिए बेटा आपने जीरो पुट करना है और डिनोमिनेटर में x है तो दैट गोज टू इन्फिनिटी इस केस में देखिए बेटा आपने पाई बाई टू पुट करना है टेन पाई बाई टू क्या होता है दैट इज ऑल्सो इन्फिनिटी चाहे लेफ्ट से आओ चाहे राइट से आओ इस केस में सिकेंड में आपने पाई बाई टू पुट करना है अब सिकेंड पाई बाई टू क्या होता है कॉज का रेसिप्रोकल कॉस फाइव बाई टू जीरो होता है तो वन अपॉन जीरो विल बी सीकेंड पाइव बाई टू सो दैट इज अगेन इन्फिनिटी केस में देखिए बेटा अब आपने जीरो पुट करना है ठीक है इसमें आपने जीरो पुट करना है बट ये वाला क्वेश्चन देखिए थर्टीन का एथ पार्ट इज इंपॉर्टेंट लेट मी डू इट हेयर थर्टीन का एट्थ पार्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट एक्स गोइंग टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड लिमिट एक्स गोइंग टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड सॉरी और आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और डिनोमिनेटर में यू हैव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे देखिए अगर आप डायरेक्टली ज़ीरो पुट करते हैं अगर आप इसको पहले फ्रॉम नेगेटिव साइड यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट तो आप क्या करोगे एक्स को जीरो माइनस एच पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा लिमिट एच गोइंग टू जीरो जीरो माइनस एच स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस एच प्लस टू डिवाइडेड बाई माइनस एच क्यूब प्लस टू माइनस एच स्क्वायर तो ये हो, हो, हो गया आपका लिमिट एच गोइंग टू जीरो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस थ्री एच प्लस टू डिवाइडेड बाई नीचे हो गया आपका एच क्यू नेगेटिव माइन प्लस टू एच स्क्वायर ठीक है बेटा अब इस केस में जब आप अच्छा ये वो केस नहीं बना अब आप ज़ीरो पुट करो डायरेक्टली तो येट ये ये जीरो प्लस ज़ीरो प्लस टू और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा जीरो प्लस जीरो सो so, ये हो गया टू अपॉन जीरो विच गोज टू इन्फिनिटी सो इस केस में भी इन्फिनिटी आ रहा है अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म बनती फिर ये वाला जो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा डिस्कशन किया था वो यूज़ करते मुझे लगा वो बनेगा बट वो नहीं बना यहाँ पे ओके okay, बेटा तो इस केस में भी आपका आंसर इन्फिनी आ रहा है नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर नाइन सो यू हैव इफ यू पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू सोल गेट माइनस टू स्क्वायर प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू माइनस वन प्लस फोर

हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगे कि लिमिट होता क्या है आपको exactly समझने में बट you'll सी दैट ओवर द टाइम when वी विल रीच टू यू नो derivatives, तो वहाँ पे लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो बेसिकली आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट लिमिट इज हम चाहते क्या हैं, वी वॉन्ट दैट at any point in the graph of the function, at any point in the graph of the function. So basically suppose this is your x-axis, this is your f of x-axis.

कंसर्न है और अगर लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से इफ़ यू आर कमिंग एंड लिमिट इज फंक्शन जो है अच्छा बिहेव कर रहा है तो जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट जो आप राइट right साइड से आ रहे हो अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है थैंक यू बेटा कीप प्रैक्टिसिंग विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स थैंक यू फॉर वॉचिंग